नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल समाज के चैनल पर। मैं हूं आपके साथ संजू समीर। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नौकरी के लिए आपकी योग्यता थी, नौकरी के लिए आपके पास सर्टिफिकेट था, नौकरी के लिए कानून था, तो आपको सब चीज मिला। किसी मुख्यमंत्री के कृपा पर आपको नौकरी नहीं मिला, इसलिए आप लोग बुलंदी से घर पे जाएंगे और हमारा एक बार आप लोग से आखिरी में अपील यही है कि हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठिए, संघ संगठन के बात को थोड़ा दिन के लिए भूलिए। हमको संगठन अपना है, हम कहाँ कह रहे हैं आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर बिहार के सभी शिक्षक बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर के तले एकजुट हो गए हैं तो इस विषय पर हम किसी तरह का विवाद नहीं देखना चाहते हैं पूरे बिहार में किसी भी कोने पर। हमको सहना पड़ रहा है, आज भी हमारा संघर्ष समिति का बैठक था, इसकी सूचना नहीं थी तो क्या हो गया? हमारे रामचंद्र भाई महासचिव महोदय पंकज जी वहाँ पे गए, वहाँ पे आपको सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता? ये मान सम्मान और संघ संगठन की लड़ाई से ऊपर उठना है हम लोगों को। हम लोगों ने जेल तक की यात्रा करके यह बता दिया कि यह जरूरी नहीं कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का बैनर के नीचे ही आंदोलन होगा, तो हम लोग जान की बाजी लगाकर आंदोलन को सफल करेंगे। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर को तो और ऊंचा पहुंचाना है, इसको तो और प्रकाशमान बनाना है। इसलिए हम समझते हैं कि कई जिला से हम लोगों को फीडबैक आया कि वहाँ पे कुछ लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तमाम तरह का समस्या खड़ा किया जा रहा है, उन सारे समस्याओं को से निपटना। और हम लोगों को 17 तारीख को बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर अपना जो एक दिवसीय धरना है उसको ऐतिहासिक रूप से सफल बना के मुख्यमंत्री का संदेश अपना मांग पत्र भेजना है। 5 सितंबर को गांधी मैदान को पूरा पाट देना है। 5 सितंबर को पूरा गांधी मैदान लाखों लाख शिक्षक और उनके परिजनों से भरा रहना चाहिए। अगर हम वेदना प्रदर्शन वहां करना चाहते हैं तो हमारी उपस्थिति ऐसी हो कि सरकार हिले, जहां हम गांधी मैदान में बैठे तो पूरा नीतीश सरकार हिले। इस तरह की एक एकजुटता के लिए माहौल बनाना है। जैसा कि अभी यहां से बाढ़ आया, अभी 10 जिला के लोग अभी और बच्चे हैं अपने बाप को रखने के लिए, आप लोग निर्णय लीजिए। निर्णय लेने के उपरांत राज्य के महासचिव अपना यहाँ पे सभी राज्य कमेटी के सदस्य उपाध्यक्ष महोदय सचिव महोदय कोषाध्यक्ष महोदय अन्य तमाम लोगों को के बाद अपना निर्णय आप लोगों को बता देंगे। जैसा लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा आप लोगों के तरफ से सुझाव आया कि 5 सितंबर के कार्यक्रम को कुछ लोग कह रहे थे शिक्षक आते हैं जाते हैं, ये सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है। अरे कहाँ शिक्षक रहेगा, वहाँ पे जगह है। नीतीश कुमार जी तो जान के साजिश किया है गर्दनीबाग जैसी जगह में जहाँ पे कम शिक्षक खड़े हो सकते हैं। पूरा पटना उस दिन आपका जाम था, पूरा पटना बंद था, पटना के हर एक सड़कों पर शिक्षक का सैलाब था। कब जानिए सरकार का कितना बड़ा साजिश था कि आपके आंदोलन को कुचलना, लेकिन किसी के साजिश से कुछ होने वाला है। हम लोग अपने आंदोलन को सफलतापूर्वक 2 दिन आपका विधानसभा पूरी तरीके से ठप रहा, आपका मांग नीतीश कुमार के कान को फाड़ के उनके अंदर घुस चुका है कि हमको पुराने शिक्षक के जैसा वेतन मान लीजिए, उनका सेवा शर्त हमको